नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस खास कार्यक्रम शुभ राशि में। मैं हूं आपके साथ आचार्य दीपा शर्मा। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और अब जल्दी से बात कर लेते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए कुछ खास मिला जुला रहने वाला है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, ये आपके लिए खुशखबरी है। वृष राशि वालों के लिए आज कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने से भी आपको आज लाभ प्राप्त होगा। आपको कोई गुमराह कर सकता है तो किसी की बातों में आज आप ना आए। मिथुन राशि वालों के लिए अपने जीवन साथी से किसी बात पर झगड़ा हो सकता है तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। आपके सोचे हुए आज सारे काम पूरे हो जाएंगे जिसके कारण आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए आपके विरोधी आपका बुरा करने की सोचेंगे लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर बने रहना है। कोई नया पदभार आज आपको सौंपा जा सकता है, यानी कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कार्य क्षेत्र में आपको मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। वाहन को खरीदने की इच्छा आज आपकी पूरी होगी। कन्या राशि वालों के लिए आज अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करेंगे, चेंजेस करेंगे जो कि अच्छे रहेंगे। कोई साथी आज आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है तो आपको बहुत सतर्क रहना है। तुला राशि वालों के लिए आपके चारों ओर का वातावरण काफी सुखमय रहेगा। मित्रों के साथ छोटी दूरी की यात्रा पर आज निकल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान को कोई शारीरिक समस्या हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को आज लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। धनु राशि वालों के लिए सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को के लिए आज प्रमोशन की स्थिति बनी है, यानी अच्छा समय। विदेश यात्रा के भी आपके योग स्ट्रांग बन रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए यात्रा पर जाना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी आज बरतनी है। कोई लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। किसी मित्र से धोखा मिल सकता है आज के दिन। कुंभ राशि वालों के लिए जीवन साथी के साथ कुछ समय अकेले में व्यतीत करेंगे आज। जो लोग अभी सिंगल हैं उनके लिए कोई बेहतर अवसर आज के दिन आ सकता है। अंतिम राशि का इंतजार खत्म करते हैं। आप यानी मीन राशि, आप करियर को लेकर आज भाग दौड़ में लगे रहेंगे। समाज में आज आपका मान सम्मान जरूर बढ़ेगा। ये था राशिफल 12 राशियों का और कल फिर आपसे मुलाकात करूंगी नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, पॉजिटिव बने रहे। जय माता की।